फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए हम बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीजों को अपने फेस पैक के अंदर भी मिलाते हैं। चलिए आज जानते हैं एक ऐसे ऑयल के बारे में, यानी कि तेल के बारे में, जो हमारे सौंदर्य को निखारने के लिए काफी ज्यादा मददगार है। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बादाम के तेल के कुछ सौंदर्य से रिलेटेड चीजों के बारे में विस्तार से। टिप नंबर 1, अगर आपकी त्वचा और चेहरा बहुत ज्यादा रूखा और बेजान हो गया है तो आप बादाम के तेल से अपनी बॉडी पर और चेहरे पर मसाज कर सकते हैं। ऐसा करने से चेहरे में चमक आती है और रूखापन भी दूर हो जाता है। टिप नंबर 2, अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुहासे हैं तब भी आप रोजाना रात को सोते समय अपने चेहरे पर बादाम के तेल से मसाज करिए। ये मुहासों को ठीक करने में भी काफी ज्यादा मददगार है। टिप नंबर 3, बादाम के तेल के अंदर कई ऐसे तत्व होते हैं जो समय से पहले हमें बूढ़ा नहीं होने देते हैं और लंबे समय तक जवान रखने में भी हमें काफी ज्यादा मदद करते हैं। इसीलिए रोजाना रात को सोने से पहले अपने चेहरे और बॉडी पर आप बादाम के तेल से मसाज करिए। ये चेहरे के अंदर ग्लो को तो बरकरार रखता ही है, बल्कि एजिंग के साइंस को भी काफी हद तक ढक कर रखता है। टिप नंबर 4, अगर आप अपने कॉम्प्लेक्शन यानी कि अपने रंग से संतुष्ट नहीं है तो रोजाना बादाम के तेल से मसाज करिए। आप चाहें तो आप फेस पैक के अंदर भी बादाम का तेल मिला सकते हैं। ये चेहरे के और बॉडी के कॉम्प्लेक्शन को फेयर बनाने में काफी ज्यादा मददगार है। टिप नंबर 5, अगर आपकी त्वचा में बहुत ज्यादा खुजली या फिर सूजन की समस्या है तब भी आप बादाम के तेल से अपनी त्वचा पर या फिर प्रॉब्लम एरिया पर मसाज कर सकते हैं। ये खुजली और सूजन दोनों को ही ठीक करने में काफी अच्छा माना जाता है। सो दोस्तों, ये है कुछ फायदे बादाम के तेल के। अगर आपको इन सारी समस्याओं में से कोई भी एक समस्या है तो आप बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।